गाइस 2022 को अलविदा करते करते आइए जानते हैं वो फोन जो कि आप 15,000 रुपए के नीचे खरीद सकते हैं इस मंथ। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक, मैं हूं दिव्यकांत। तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि हर मंथ हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन हमारे इस वीडियो की मिलती रहे। बढ़ते हैं सबसे पहले फोन की तरफ, वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23। इस फोन का 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज वाला मिल जाएगा करीब 14,999 का, जिसमें मिल जाएगा ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट और साथ ही स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, 6.6 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज का TFT डिस्प्ले मिलता है विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन, 50 MP का प्राइमरी, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP का डेप्थ और साथ ही 8 MP का सेल्फी कैमरा और साथ ही बैटरी मिलती है आपको 5000 mAh की और 25W चार्जर के साथ। गाइज इस फोन ने लास्ट मंथ से जगह बना कर रखी है लिस्ट में, तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो TFT तो मिलता है लेकिन जो क्लैरिटी है वो आम TFT से काफी बेटर मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी, कलर का रेजोल्यूशन आपको सैमसंग का मिलता है तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस और नॉर्मल डे टू डे यूसेज में दिक्कत नहीं आएगी। 5G प्रोसेसर है तो वहां पर भी आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको सैमसंग का वन UI मिलता है और काफी सारे ऑप्टिमाइजेशन के साथ, साथ ही साथ यहाँ पर आपको NFC मिलती है जिसमें आप सैमसंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो ऐसा सच कोई मेजर कॉन नहीं है, ये ओवरऑल कैमरा भी इस फोन का काफी अच्छा है लेकिन डिस्प्ले की बात करें तो TFT आपको उतनी बेटर नहीं मिलती जितना आपको LCD या फिर AMOLED स्क्रीन मिलती है। तो आगे जो फोन्स आएंगे उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं लेकिन प्राइस के हिसाब से जो चीजें मिलती है आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट जो फोन है वो है मोटोरोला की तरफ से मोटो G52। यहाँ पर आपको 14,999 में मिल जाएगा 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, साथ ही स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर विद UMCP स्टोरेज, 6.6 इंच की 90Hz फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो और 16MP का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 30W ऑफ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। अगर आपको 5G फोन मैटर नहीं करता, यहाँ पर आपको 4G के साथ अगर आप काम चला सकते हैं तो ये फोन बहुत जबरदस्त चीजें आपको देता है। जो स्क्रीन है इसका वो मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से बढ़िया लगेगा, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, साथ ही आपको यहाँ पर मोटोरोला का थिंकशील सिक्योरिटी मिलती है, साथ ही जो OS है वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। इस फोन की ओवरऑल डिजाइन और इन हैंड फील आपको दोनों ही बढ़िया लगेगी तो वहां पर भी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर कॉन्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया फोन जो है 5G नहीं है और डिजाइन इसका हो सकता है काफी लोगों को पसंद ना आए क्योंकि काफी सोबर सा है, सिंपल लगेगा काफी लोगों को। नाउ अगला जो फोन है वो पोको फैंस के लिए है, जी हाँ पोको M4 Pro 5G। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज लगभग 14,999 में, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, साथ ही Dimensity 810 का प्रोसेसर, 6.6 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS LCD स्क्रीन जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, 50MP का प्राइमरी, 8MP अल्ट्रा वाइड और 16MP का सेल्फी कैमरा। अगर बैटरी की बात करें तो 4400 mAh की बैटरी मिलती है विद 33W चार्जर। नाउ प्राइस के हिसाब से फोन आपको काफी चीजें बढ़िया देता है, परफॉर्मेंस इस फोन की अच्छी है, लुक यूनिक है काफी फ्लैशी सा है, साथ ही साथ इसमें जो ओवरऑल इन हैंड फील की बात कर लीजिए, डिजाइन की बात कर लीजिए, आपको बढ़िया लगेगा। इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, इसका जो UI है वो आपको बढ़िया लगेगा, फ्लूइड है, कैमरा भी आपको इस फोन में काफी बढ़िया मिल जाती है। उसी के अलावा यहाँ पर आपको 7 5G बैंड्स मिल जाते हैं इस फोन में जो कि बढ़िया चीज है। स्टीरियो स्पीकर्स होने के साथ साथ यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है वो भी काफी बढ़िया मिल जाएगा और इतना ही नहीं यहाँ पर आपको IP53 वाटर रेपेलेंट रेटिंग भी मिल जाती है। अगर कॉन्स की बात करें तो एज सच कोई मेजर कॉन नहीं है, बस ये फोन जो है आउट ऑफ द बॉक्स आता है एंड्रॉइड 11 के साथ। एंड नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ और ये भी है मोटोरोला की तरफ से मोटो G72। नाउ ये फोन भी आपको काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे देता है, साथ ही साथ ओवरऑल चीजें आपको बढ़िया मिल जाएगी, बस एक ही खामी है यहां पर आपको 5G नहीं मिलेगा लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो काफी माइंड ब्लोइंग है मेरे हिसाब से। 14,999 में मिल जाएगा आपको 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, साथ ही मीडियाटेक G99 का प्रोसेसर, 6.55 इंच की 120Hz फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 10-bit POLED डिस्प्ले, 108MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP का डेप्थ, साथ ही 16MP का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 33W इनबॉक्स चार्जर। ना ये जो फोन है वो 5G के अलावा सर्वगुण संपन्न है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले, डिजाइन, कैमरा परफॉर्मेंस और जो इसका ओवरऑल इनहैंड फील ले लीजिए, जो हैप्टिक फीडबैक है, सभी में ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। उसी के साथ साथ ये एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स आता है और साथ ही आपको यहाँ पर जो स्टॉक एंड्रॉइड की फील है वो बढ़िया मिलेगी। इस फोन में आपको मोटोरोला के सारे फीचर्स मिल जाते हैं थिंकशील सिक्योरिटी के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया बस 5G के अलावा ये फोन जो है सर्वगुण संपन्न है। एंड नाउ फाइनल फोन की तरफ बढ़ते हैं, वो है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 11T। ये फोन जो है लगभग 16,999 का मिल जाएगा लेकिन अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं तो लगभग 15,000 रुपए के आसपास ये आ जाता है
और 15,000 रुपए के आसपास जो ये चीजें देता है वो बहुत बढ़िया है। इसमें आपको मिल जाएगा 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, डुअल सिम कार्ड स्लॉट मिलता है विद डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट, साथ ही आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर, 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली 90Hz आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, 50MP का प्राइमरी, 8MP अल्ट्रा वाइड और 16MP का सेल्फी कैमरा, 5000mAh की बैटरी विद 33W इनबॉक्स चार्जर। नाउ प्रोज की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया ये फोन जो है सारी चीजों का मिश्रण है, यहाँ पर 5G के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीजों में कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। यहाँ पर इस फोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया मिल जाएगा, आप मीडियम टू लो सेटिंग में लंबे समय तक गेमिंग भी कर पाएंगे। अगर 5G बैंड्स की बात करें तो 7 5G बैंड्स मिल जाते हैं आपको इस फोन में, साथ ही IR ब्लास्टर मिल जाता है और स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल डिस्प्ले के हिसाब से और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा कोई मेजर कॉन नहीं है, बस ये जो फोन है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। तो ये थे वो फोन जो कि आप खरीद सकते हैं 2022 के आखिरी महीने में यानी कि दिसंबर में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई सुझाव हो कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।